टाइगर श्रॉफ आज बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है और ये तो हम सबको पता है कि उनके पिता जैकी श्रॉफ है जो अपने समय के सुपरस्टार थे। लेकिन टाइगर श्रॉफ जब 11 साल के थे तो उन्होंने ऐसे दिन देखे जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता, जहां उन्हें ज़मीन पर सोना पड़ता था। पर जैकी श्रॉफ के बेटे और एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ जहाँ टाइगर श्रॉफ को 11 साल की उम्र में ज़मीन पर सोना पड़ रहा था, तो आइए जानते हैं। ये साल 2002 की बात है जब बूम मूवी को आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था, जो कि टाइगर श्रॉफ की मम्मी है। और इस बूम मूवी में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर और कैटरीना कैफ थे। और ये मूवी कैटरीना कैफ की पहली बॉलीवुड मूवी थी। पर ये मूवी थिएटर में रिलीज़ होने से पहले ही इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जिसके बाद इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने से मना कर दिया। पर जैकी श्रॉफ ने डिसाइड किया कि मूवी को थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा। पर इंटरनेट पर लीक होने के बाद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत गंदी तरीके से फ्लॉप हो गई, जिसके बाद आयशा श्रॉफ और जैकी श्रॉफ को मूवी के भरपाई को पूरा करने के लिए उन्हें अपने बांद्रा के 4 बेडरूम वाले अपार्टमेंट को बेचना पड़ा और एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अपने घर के साथ साथ सभी फर्नीचर्स को भी बेचना पड़ रहा था। और एक पुराने इंटरव्यू में टाइगर श्रॉफ ने कहा भी था कि जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने देखा था कि उनका घर बेचा जा रहा था। घर के साथ साथ उनका फर्नीचर, आर्टवर्क, लैंप्स और ऐसे बहुत से चीज़ें वन बाय वन बेची जा रही थी। जिन चीज़ों को वो देख देख कर बड़े हो रहे थे, वही चीज़ें धीरे धीरे उनके नज़रों के सामने गायब होती जा रही थी। फिर बाद में टाइगर श्रॉफ का बेड भी बेच दिया गया, जिसके बाद टाइगर श्रॉफ को ज़मीन पर सोना पड़ता था। टाइगर श्रॉफ ने इंटरव्यू में कहा भी था कि वो दिन उनके लाइफ के सबसे बुरे दिन थे, पर इन्हीं दिनों ने उन्हें बहुत मोटिवेट भी किया और उन्होंने अपनी मम्मी से प्रॉमिस भी किया था कि वो उन्हें एक घर ज़रूर खरीद कर देंगे। फिर उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी साल 2014 में अपनी पहली फिल्म हीरो पंती के साथ। फिर इसके बाद 4 साल बाद यानी 2017 में उन्होंने एक नया घर खरीदा और अपने प्रॉमिस को पूरा किया। दोस्तों, कैसी लगी आपको टाइगर श्रॉफ की ज़िंदगी की ये एक छोटी सी कहानी, कमेंट में ज़रूर बताना। और बी अवेयर वाइटी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।